मत जाओ वहाँ पे, भूत है वो, एक भूत बांग्लो है। बचपन की भूत बांग्लो से मुलाकात करवाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राही और आप सब लोगों को स्वागत है मेरी सेकंड डे व्लॉग में। तो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ खास, इसके लिए आप लोगों को वीडियो इन तक देखना पड़ेगा। तो अभी मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ के आ गई हूँ, तो चलिए जल्दी से घर की थोड़ी बहुत काम कर लेते हैं और ब्रश भी कर लेते हैं क्योंकि मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है। तो ब्रश करने के बाद आप लोगों के साथ मिलते हैं चाय के टाइम पे। तो यहाँ मैं लेके आ गई हूँ सुबह की चाय और मैंने आधा बिस्किट चाय के साथ खा भी लिया। तो चलिए मैं मेरी चाय इंजॉय करती हूँ। मैं यहाँ पे चाय ख़त्म करने के बाद आई हूँ किचन पे, मुझे एक सब्ज़ी बनाना है तो वो सब्ज़ी जल्दी से बना लेते हैं। मैंने बना लिया है कद्दू की सब्जी जो कि दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, जिसे खा खा के मैं दिन भर कद्दू के जैसे हो रही हूँ। मतलब मैं नहीं, मेरी शक्ल कद्दू के जैसे हो रही है। तो उसे इग्नोर करते हुए चलिए कद्दू के साथ मुलाकात करते हैं। आज बाहर का मौसम हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा ही ख़राब, तो इसे देख के लग रहा है कि बारिश बस शुरू होने ही वाली है थोड़ी ही देर में। तो बाहर की बारिश के साथ साथ मेरा नहाना हो गया है कंप्लीट। अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है तो मैं सोने जाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को मेरी घर के आसपास की कुछ बेहतरीन नज़ारों की दर्शन करवाती हूँ। तो यहाँ मेरे घर से ये रास्ता गुजरता हुआ गया है क्योंकि सीधे मैं आ नहीं सकती, क्योंकि मेरे घर के पास में एक बड़ा सा रास्ता है जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, तो सामने है रास्ता, मतलब जंगल वाला रास्ता हुआ पड़ा है और बारिश की वजह से यहाँ पर जो मिट्टी मिट्टी हो गया ना, कहीं मैं फिसल ना जाऊँ जो भी हो। तो घर से उठते ही हम लोगों को दिखाई देता है एक रास्ता जो कि एक यहाँ तरफ जाता है और दूसरा आता है इस तरफ जो ग्राउंड के पास जाता है। तो पहले हम जाएंगे इस तरफ। तो ये जो तालाब आप लोग देख रहे हैं, इनका एक स्टोरी भी है जो बचपन में हम लोगों को सुनाया गया था। तो पहले मैं आप लोगों को ये पूरा व्यू दिखा देता हूँ। आप लोगों ने ये तालाब भी देख लिया और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, हमारे घर के बिल्कुल सामने एक मंदिर है तो उस मंदिर पे पहले चलते हैं। जगह आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बचपन में आके खेला करते थे
मतलब सारे दोस्त मिलके यहाँ पे ही खेलते थे। और ये जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, इस पेड़ पे जो मतलब रूट होते थे जो ऊपर से नीचे, जैसे कि वो दिख रहा है, तो ऊपर से नीचे आते थे, तो हम लोग यहाँ पे झूलते थे बहुत ज़्यादा। मतलब तब तक उसका रूट बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग यहाँ से उधर जा सकते थे, इधर आते थे, तो बहुत मज़ा होता था। तो ये पीपल का पेड़ बहुत ही ज़्यादा पुराना है। जितने भी आप लोगों को नज़ारा दिखाऊंगी, आधे से ज़्यादा हमारे इस जगह पे आप लोगों को मतलब पेड़ पौधे दिखाई देंगे बहुत ही ज़्यादा। तो मैं अभी जा रही हूँ ग्राउंड के पास में जो रास्ता गया है उस ओर। तो चलिए आप लोगों को मेरी बचपन की भूत बांगलों से मुलाकात करवाते हैं। आप लोग यही सोच रहे हैं ना, ये भूत बांगलों की बात कर रही है, सच में ऐसी कोई जगह दिखी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बचपन में क्या होता था, जब हम वहाँ पे खेलने जाते थे तो सब दोस्त मिलके खेलने जाते थे शाम को, तो बड़े कहते थे कि मतलब हमको डराने के लिए बड़े बोलते थे कि मत जाओ वहाँ पे, भूत है, वो एक भूत बांगलो है। एक्चुअली में वो एक भूत बांगलो नहीं है, तो बचपन से सुनते आई हूँ, तभी अभी भी हम लोग भूत बांगलों की तरह ही उसको ट्रीट करते हैं। तो अभी तो वो बहुत ही अच्छा बन गया है, पहले तो भूत बांगलों के जैसे दिखता था, बट नाउ द डे वो बहुत ही खूबसूरत मैन्युफैक्चरिंग किया गया है उसको। तो उसको हम हमारे यहाँ के शहीद मीनार के नाम से जानते हैं। तो चलिए उसका एक झलक आप लोगों को दिखा देते हैं। मिल लिया आप लोगों ने हमारा बचपन की भूत बांगलों से, तो जल्दी बताओ आप लोगों को डरावनी लगी? अगर नहीं लगा हो तो कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को वो भूत बांगलो, वो शहीद मीनार का नया नज़ारा कैसा लगा। यहाँ से चलते हैं और आप लोगों को और एक चीज़ दिखाते हैं। आप लोगों को पीछे जो ये जगह दिख रहा है, ये हमारे यहाँ की पहला मंदिर है और ये एक दुर्गा मंदिर है। वैसे तो आप लोगों को पता है बंगालीज लोगों के लिए दुर्गा पूजा एक इमोशन है, बचपन से लेके अभी तक का जो पूजा हुआ है यहाँ पर, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन हुआ है, वो बहुत ही खास है। तो चलिए मैंने आप लोगों को बहुत सारा नज़ारा दिखा दिया है खूबसूरत खूबसूरत, तो अब घर की ओर चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो चलिए। आज का ब्लॉग मेरा यही तक ही था। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और एक लाइक ज़रूर कर देना और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि उन्हें भी मेरे वीडियोज़ और चैनल के बारे में पता चले। और एंड में मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और खुद से प्यार करें। And thank you for watching.